Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing permutation and this is a video lecture number 6. I hope you have already watched from 1 to 5. It is a suggestion that you should watch from 1 to 5 before watching part 6. इस क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि परमुटेशंस के रिपीटेशन वाले और नॉन रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं अंडर गिवन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं तो उस रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करेंगे और किसको पहले सोचना चाहिए, किसको बाद में, कौन से रिस्ट्रिक्शंस पहले लेना चाहिए, कौन से रिस्ट्रिक्शंस बाद में लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आज क्वेश्चंस की। पिछले क्लास से आगे, पिछली क्लास में हमने बात किया था कि नंबर की अरेंजमेंट कैसे होती है, 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं। आज कुछ और उस पर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स numbers can be made how many 4-digit numbers can be made from digits 0, 1, 2, 4, 5, 7, 9 if first repetition of digits are not allowed and second if repetition of digits are allowed पिछले जो क्वेश्चंस किया था हमने इस तरह के उसमें जीरो नहीं था तो जीरो होने से क्या स्पेशल है। अगर जीरो हो भी गया, एक डिजिट जीरो आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? यस, फर्क पड़ेगा। जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर कभी नहीं आ सकता। जैसे ध्यान से देखें, अगर मैं 4 डिजिट नंबर बनाना चाहूं, पहले पार्ट की बात करूं तो ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 प्लेसेज है, 1, 2, 3, 4। यहां पर अगर जीरो रख दूंगा तो ये 3 डिजिट नंबर कहलाएगा, 0, 1, 2, 4। अगर कोई नंबर है तो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज 4 डिजिट नंबर, इट विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज 3 डिजिट नंबर। तो 0, 1, 2, 4 ये 4 डिजिट नंबर कभी नहीं हो सकता, ये 3 डिजिट होगा, मतलब 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं हो सकता। तो जितने यहाँ पे डिजिट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डिजिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन 0 इसमें यहाँ पे कामयाब नहीं है। 0 की उम्मीदवार है, 0 की एप्लीकेशन यहाँ पे खारिज की जाती है। इस पोजीशन के लिए आउट ऑफ 7 ओनली 6 ऑफ देम आर एलिजिबल वन, सिर्फ 6 इसमें से एलिजिबल हैं 0 को छोड़कर, इसलिए इस जगह को हम 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज 6 वेज बिकॉज आउट ऑफ एनी वन ऑफ रिमेनिंग 6 कैन बी हियर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके बचे हुए 6 में से कोई भी यहां आ सकता है, तो इस जगह को 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं। व्हिच वन इज नॉट एलिजिबल? एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। Anyone can be member of, anyone can be placed here. किसी को भी यहाँ पे रखा जा सकता है, इसलिए this place can be arranged in 6 ways. Now, repetition of digits are not allowed. It means one digit which has been used here that cannot be repeated again. एक digit जो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी उसको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि repetition allowed नहीं है। तो 7 डिजिट्स हमारे पास थे, एक इस्तेमाल हो गया तो यहां कितने बच गए? 6। 6 में से कोई भी यहां अरेंज कर सकते हैं, सो दिस प्लेस कैन बी आल्सो अरेंज्ड इन 6 वेज। आउट ऑफ रिमेनिंग 5 बिकॉज 2 ऑफ देम हैव बीन यूज्ड आउट ऑफ 7, 7 में से 2 को ऑलरेडी यूज कर लिया गया, सो ओनली हाउ मेनी लेफ्ट?
5 are left, and out of remaining 5, anyone can be placed here. बचे हुए 5 में से किसी एक को यहाँ arrange कर सकते हैं. So this place can be arranged in 5 each. Now again, how many of them are left? कितने बच गए? 1, 2, 3. 3 of them have been used. और remaining 4 are left. सिर्फ 4 बचे हैं. 4 बचे हैं. उनमें से किसी एक को यहाँ arrange कर सकते हैं. So this place can be arranged in 4 ways. Unless you will arrange all these 4 places, जब तक कि सारे चारों position को arrange ना करें, तब तक ये 4 digit number नहीं बन सकता. तो सबको arrange करना है. Unit place, tens place, 100 place, 1000 place, सारे place को arrange करेंगे एक साथ, तब 4 digit के number बनेंगे. इसलिए इन सबको arrange करने के तरीके होंगे. सबको क्या करना चाहिए? Multiply करना चाहिए, plus करना चाहिए. सबको एक साथ arrange करना है. हमने सीखा है, सबको अगर एक साथ arrange करना हो, तो multiply करते हैं, है ना? तो इसलिए इसको हम multiply कर देंगे. 6 × 6 × 5 × 4, that is 6 × 36, and 36 × 20 is 720 age. अगर repetition allowed नहीं होगा, तो 720 different numbers can be formed by using this when repetition of digits are not allowed. दूसरा केस है, जब repetition allowed हो, तब क्या होगा? तब यहाँ पे भी 4 digit number को बनाएंगे आप, और 4 digit number बनाएंगे तो इसमें क्या करना होगा? इस जगह पर repetition allowed हो, तब भी 0 नहीं आ सकता. यहाँ पे इस जगह को arrange करने के सिर्फ 6 तरीके ही होंगे, लेकिन इस जगह को कितने तरीके से? 7 में से किसी को भी arrange कर सकते हैं. 7, 7 और 7, क्योंकि repetition allowed है. जो digit यहाँ इस्तेमाल हो चुकी है, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है. तो 7 में से किसी को यहाँ पे arrange कर सकते हैं, 7 में से किसी को यहाँ arrange कर सकते हैं, 7 में से किसी को यहाँ भी arrange कर सकते हैं. तो इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा? 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 is 343, right? And 343 multiplied by 6 कितना होगा? 343 multiplied by 6, 343 multiplied by 6, 63 जाए 18, and this is what? 63 जाए 18, and 64 जाए 24, and 125, and 63 जाए 18, and 205. 7 × 7 × 7, 343, and 343 × 6 is equal to 2058. So 2058 which this can be arranged, right? अब ये जीरो होने से ये फर्क पड़ेगा कि जीरो का ध्यान रखना होगा. जीरो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है. आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सबसे पहले लेफ्ट पोजीशन को ही अरेंज क्यों किया? क्यों नहीं सबसे पहले यहाँ अरेंज किया, फिर यहाँ अरेंज किया, फिर यहाँ अरेंज किया, फिर यहाँ अरेंज किया? इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप किसी को भी पहले अरेंज करोगे, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी. क्यों दिक्कत हो जाएगी? यहाँ पर आप पहले किस तरीके से अरेंज करोगे? 7, क्योंकि 7 में से यहाँ कोई भी आ सकता है. यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, लेकिन तब दो सिचुएशन होगी कि क्या जीरो को हमने पहले इस्तेमाल किया है या नहीं किया है. अगर क्या होगा तो यहाँ जीरो को भी छोड़ना पड़ेगा और इन तीन अंकों को भी छोड़ना, जीरो को छोड़ना पड़ेगा. जीरो इस्तेमाल हो गया होगा तो सिर्फ यहाँ पे 4 तरीके होंगे, और अगर जीरो नहीं इस्तेमाल हुआ होगा तो यहाँ पे 3 ही तरीके होंगे कि जीरो हो नहीं सकता. तो ऐसी सिचुएशन में गड़बड़ी हो सकती है. आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो उसको सबसे पहले फील करना है. रिस्ट्रिक्टेड प्लेस का ध्यान सबसे जरूरी है, सबसे पहले रखा जाना चाहिए. जैसे आप चीफ गेस्ट का ध्यान सबसे ज्यादा रखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस चीफ प्लेस है. रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है जहाँ वीआईपी लोग बैठते हैं, उस जगह का विशेष सिक्योरिटी, विशेष ध्यान रखा जाता है. उसी तरह से ये वीआईपी प्लेस है, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को सबसे वीआईपी प्लेस समझे, सबसे पहली प्रायोरिटी दे, उसको सबसे पहले करें. अब एक सवाल और लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम प्रायोरिटी फिक्स करते हैं. दूसरा सवाल हो सकता है, लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम डिजिट्स
three digits can be taken at a time. Digits can be taken at a time. Taken at a time. And interpretation of digits are not correct. Three digits can be taken at a time. Out of given digits. इसका मतलब ही हुआ कि चार में से जितने digits दिए गए हैं, इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं, इस 5 में से हम 3 को ही select एक बार में कर सकते हैं, मतलब 3 digit का ही number बनाना है, तो क्या होगा? अब repetition allow नहीं है, इसमें से कोई भी 3 digit आप ले सकते हैं, लेकिन repetition allow नहीं है, क्योंकि 3 लेना है, यानी एक digit अगर हम 2-3 बार है नहीं 3 बार ले सकते, तो हमें 3 अलग-अलग digit लेना है, इसका मतलब ये हुआ। लिखा वैसे भी जा सकता था हमने दूसरे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आपको तरह-तरह की लैंग्वेज का मतलब भी समझ में आए कि क्वेश्चन किस-किस तरह से पूछा जा सकता है और उसके क्या मतलब हो सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा ध्यान से देखिए ये 3 डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर लेना है आपको अब यहां पे ऑड नंबर बनाना है हमें और जीरो भी है जीरो होने का मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड वो भी रिस्ट्रिक्टेड है और ऑड नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर बनाने के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 9, 7, 9 ये होना चाहिए सो 1, 3, 5, 7, 9 कैन बी देम ओनली राइट 1, 3, 5, 7, 9 Like this, but 1, 3, 5, 7, 9, here 5, 7, 9 are not here given to us. हमें सिर्फ दिया है 0, 1, 2, 3, 4 और हमें odd number बनाना है. Odd number बनाना है मतलब unit place is also restricted, 100 place is also restricted. अब दोनों ही जगह restricted है. Unit place के साथ ये restriction है कि वहाँ odd digits ही हो सकते हैं. 100 place के साथ restriction क्या है? 100 place के साथ restriction ये है कि यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। दो-दो जगह restricted हो गए? नहीं। किस restriction का पहले ध्यान रखना चाहिए? आपको समझना ये। और ये सबसे जरूरी बात है जो आप समझ सकते हैं कि सबसे जरूरी बात क्या है कि दोनों में से किसका पहले ध्यान रखा जाना चाहिए? चलो एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं आपके घर में खाना बनता है शाम को रात में डिनर सबके घर बनता है आपके घर में क्यों बनता होगा हमारे घर में बनता है सबके घर में बनता है अच्छा एक बात बताओ सबसे पहले किसको सर्व किया जाता है किसको सर्व किया जाता है सबसे पहले घर में खाना बनता है डिनर किसको सर्व किया जाता है सबसे पहले बताइए आप छोटे-छोटे बच्चों को स्मॉल किड्स बेबीज को क्यों वंस दे विल स्लीप दे वोंट टेक प्रॉपर फूड एक बार सो गए तो ढंग से खा नहीं पाएंगे इसलिए उनके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि सो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी खाने में दिक्कत करेगा या खाएगा नहीं तो उसको पहले फीड कराते हैं उसके बाद किसको खिलाते हैं रिस्ट्रिक्शन होती है बुजुर्ग लोगों के साथ बड़े रिस्पेक्टेड ओल्डर पीपल उनको सबसे पहले सर्व करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती है उनको बहुत सारे मेडिसिन वगैरह का काम लेना होता है दे आर वेल परफेक्ट विद द टाइम सो उनको पहले ऑनर किया जाता है और दिया जाता है ठीक है नहीं मान ले कई लोगों का तो ऐसा है कि सब लोग एक ही साथ बैठ के खाते हैं बट फिर भी हम ये मान लेते हैं कि उनको पहले दिया जाता है रिस्पेक्ट देने के हिसाब से पहले उनको खाना सर्व कर लो उसके बाद बाकी लोग खाते हैं तो वो भी रिस्ट्रिक्शन है सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड बच्चा है तो सबसे पहले उसका ध्यान उसके बाद बुजुर्ग लोग हैं तो उनका ध्यान उसके बाद बाकी लोग फैमिली के मेंबर खाते हैं मेरे जैसे है ना तो इसलिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले यहां क्या जरूरी है ऑड नंबर बनाना ज्यादा जरूरी है कि जीरो का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है ऑड नंबर बनाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर हालत में आपको क्या चाहिए ऑड नंबर ही चाहिए चाहे जीरो यहां रहे चाहे जीरो ना रहे सबसे पहली जरूरी बात है कि ऑड नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा तो ऑड नंबर यहां पे बनाने के लिए जो दिया गया हमारे पास 5 नंबर है 5 नंबर्स है उनमें से 1 और 3 आ सकता है सो दिस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज बिकॉज़ एनी वन आउट ऑफ 1 एंड 3 कैन कम हियर एंड दिस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज दो तरीके से इसको सजा सकते हैं टू वेज अरेंज कर सकते हैं एक आपने डिजिट इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपने इस्तेमाल कर लिया अब आपके पास कितने बच
गए, only one, one digit has been used, and out of remaining five, four of them are left. अब इसको अरेंज करने के बाद रिस्ट्रिक्शन किसके साथ है? इसके साथ है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा. इसको अरेंज करने के वक्त क्या ध्यान रखना है कि आपको एक आपने इस्तेमाल कर लिया, जितने डिजिट्स थे उसमें से एक इस्तेमाल कर लिया, आपके पास बचे हैं फाइव, फाइव में से एक इस्तेमाल हो गया, बचे हैं फोर, टोटल फाइव थे, बचे हैं फोर, फोर में से जीरो इस्तेमाल के लायक है नहीं, तो कितने बच गए? थ्री. तो इसमें थ्री डिजिट्स are eligible to place here. So, इस place को अरेंज करने के तीन तरीके हो गए. तो इस जगह को अरेंज करने के तरीके हो गए तीन, इस जगह को अरेंज करने के तरीके हो गए दो. अब हमारे पास एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया, दो डिजिट इस्तेमाल हो गए, फाइव में से दो इस्तेमाल हो गए, कितने बचे? तीन. तो इस जगह को अरेंज करने के तीन तरीके हो गए, इसलिए तीनों जगह को चूंकि अरेंज करना है तो इसलिए 3 into 3 into 2 that is 18 ways. ये आंसर हो गया. 18 नंबर्स बन सकते हैं. There are 18 ways in which 3 digit numbers can be formed. 3 digit odd numbers can be formed by using digits 0, 1, 2, 3, 4. इस क्वेश्चन को दो केसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आप चाहें तो इसको दो केसेस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. कैसे? ध्यान से देखिए. आप इसको दो डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस. दो केस में कि जब यूनिट प्लेस पे 1 हो, 1 इधर केस फर्स्ट, व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, देन टेंस प्लेस कैन बी डिजिट अरेंज इन हाउ मेनी वेज. अब आपने 5 में से एक इस्तेमाल कर लिया, 0 यहां इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो 3 वेज. और यहां पे चूंकि एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया, दो इस्तेमाल हो गए. अब आपके पास कितने बच गए? 3. सो दिस इज 3 वेज. और इसको आपने एक फिक्स किया है, ये हो गया 9 वेज, राइट. और केस 2 कैन बी डिल लाइक दिस दैट यहां पे यूनिट प्लेस पे जब 3 हो तो भी ये एक तरीका हो गया, 3 फिक्स हो गया. यहां पे 0 को छोड़ करके किसी को भी अरेंज कर सकते हैं बचे हुए 4 में से, आउट ऑफ 4 किसी एक को अरेंज कर सकते हैं. दिस प्लेस कैन बी अरेंज आल्सो इन 3 वेज, एंड दिस प्लेस कैन बी आल्सो अरेंज इन 3 वेज. सो 3 इनटू 3 इनटू 1 दैट इज 9 वेज. अब नाउ इधर फर्स्ट केस इज पॉसिबल, इधर एट यूनिट प्लेस वुड बी 3 और यूनिट प्लेस वुड बी 1, या तो एक होगा या तीन होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या शब्द आ गया या अथवा, तथा अथवा हिंदी का आइदर दिस और दिस, अंग्रेजी का इधर 1 और 3. इधर और केस में क्या करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट को प्लस करते हैं. तो 9 एलिमेंट यहां है, 9 एलिमेंट यहां है, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? टोटल एलिमेंट 18 हो गए. मैं इस तरीके से बताने के लिए इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कंसेप्ट कब प्लस और कब मल्टीप्लाई करना है. जहां पर भी चाहे कोई भी तरीका हो, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आंसर हमेशा सही आएगा. हमने वहां एंड वाली केसेस लगाई है, यहां पे दो केसेस बनाई है, आंसर सेम ही आया है. आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा. आई होप आप समझ गए होंगे. एक दो क्वेश्चन आप करते हैं, आप समझ जाएंगे. वन मोर क्वेश्चन. How many 4-digit number, 4-digit numbers can be formed, numbers can be formed from digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, if repetition of digits are allowed. Repetition of digits are allowed. First part and second part is repetition of digits are not allowed. यहां पे
फोर डिजिट ऑड नंबर्स बना रहे थे, फोर डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, फोर डिजिट ऑड नंबर्स। तो कैसे करेंगे? पहला केस, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, तो क्या होगा? पहला केस, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, अलाउड, तब क्या होगा? फोर डिजिट नंबर बनाने हैं, वन टू थ्री फोर। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे या तो आप तीन केस बनाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उधर यूनिट प्लेस डिजिट आए, इधर वन और थ्री और फाइव, तीन केसेस बनेंगे और तीनों केसेस को निकाल के जोड़ दें, ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर हम उसके पहले वाले मेथड से बनाए हैं तो यहाँ पे या तो वन थ्री फाइव में से कोई एक आ सकता है, इसलिए इस जगह को अरेंज करने के तीन तरीके हो गए। There are three ways in which unit place can be arranged, because unit place can be either one or three or five. Out of any one of the three digits, one, three, five, anyone can be placed. So इस जगह को अरेंज करने के three ways हो गए, one, three, five. ठीक है? So three ways, any one of them में कमी है, कोई भी इनमें से आ सकता है, इसलिए इस जगह को अरेंज करने के तीन तरीके हो गए। One, two, three, four, five, six. Six digit हमारे पास थे, एक यहाँ पे कोई इस्तेमाल हुआ होगा, इधर वन और थ्री और फाइव कोई एक इस्तेमाल हुआ है टाइम में, तीनों एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो सिक्स डिजिट हमारे पास है, उसमें से एक इस्तेमाल हो गए, बचे क्या? फाइव। यहाँ जीरो है, इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन रिस्ट्रिक्टेड है, उसका ध्यान रखना होगा। तो टू फोर सिक्स, सिक्स में से एक इस्तेमाल हो गए, बचे फाइव, फाइव में से जीरो यहाँ इस्तेमाल के लायक है नहीं। दिस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन फोर वेज, फोर वेज वन। अब एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, वन एंड वन, टू हैव बीन यूज्ड। नाउ हाउ मेनी ऑफ देम आर लेफ्ट? फोर। आउट ऑफ सिक्स टू हैव बीन यूज्ड, सो रिमेनिंग फोर आर लेफ्ट, एंड आउट ऑफ रिमेनिंग फोर एनीवन कैन बी प्लेस हियर, सो दिस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन फोर वेज। And because three of them have been used, so here only three of them are left. Because out of six, three of them have been used, only three of them are left. So this place can be arranged in three ways. Because all place you have to arrange together, and therefore this will be like this. So 3, 3 is 9, 9 into 16 is 144. 144 ways this can be done. So when repetition of digits are not allowed, then 144 arrangement will be there. 144 four digit numbers can be made. Second case, repetition of digits are not allowed. This is the second part. First part is here, that repetition of digits are allowed. Then what will happen? When repetition of digits are allowed, when repetition of digits are allowed, then what will happen? तब क्या होगा? ये है four places, one, two, three, four. यहाँ पे तब भी odd number बनाना है, तो one, three, five यहाँ पे three होंगे, चाहे repetition allowed हो। repetition allowed होने का मतलब ये नहीं है कि unit place पे two आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको odd number ही बनाना है, ठीक है? तो इस जगह को arrange करने के तीन तरीके हो गए। आपके पास छह digits थे, रिपीटेशन अलाउड है, जो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका हो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है। सिक्स में से एक जो है जीरो, वो एलिजिबल नहीं है, तो दिस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन फाइव वेज। अब सिक्स में से कोई भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, सिक्स में से कोई यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए ये हो गया तरीका। सिक्स एक जा 36, 36 फाइव जा 180, 180 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 540। So total 540 ways are there in which this can be made. इसका मतलब है कि repetition जब allowed हो तो 544 digit number can be made, और repetition जब नहीं allowed है तब सिर्फ 144 ways can be made. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कम क्यों किया? क्योंकि except zero,
जीरो इज नॉट एलिजिबल हियर, इसलिए जीरो को छोड़ करके बचे हुए फाइव में से कोई भी यहां अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, जरा समझे। ये ऑड नंबर था तो हमने ऐसा कर दिया, अगर यहां पर हमें इवन नंबर बनाना होता, जैसे क्वेश्चन डाल दूं कि ये इवन नंबर हमें बनाना है, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं राइट कर, हाउ मेनी फोर डिजिट और इवन थ्री डिजिट, आई कैन राइट थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 0 टू 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, तब आपको पहले रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड की बात करते हैं। When repetition of digits are allowed, yes. When repetition of digits are allowed, पहला ये कर लेते, तो क्या होगा, ये फोर डिजिट है, 1 2 3 4 4 प्लस है, यूनिट टेंस 100 एंड 1000 प्लस। यहां पे इवन नंबर आपको बनाना है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, इसका मतलब यह है कि यहां पे इनमें से कौन कौन आ सकता है इन प्लेस पे, 0 2 4। अब जीरो यहां रखते हैं, अगर जीरो यहां रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो रखने के बाद, कि जीरो रखने के बाद ये क्या होगा, अगर जीरो रख दोगे तो जीरो के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो जब एक केस बनाएंगे कि जब यहां पे जीरो है और जब यहां पे जीरो नहीं है, अगर यहां पे जीरो है तो इस प्लेस को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फाइव फाइव एज, अगर यहां पे जीरो नहीं है तो इस प्लेस को अरेंज करने के तरीके होंगे फोर। तो पहला केस ले लेते हैं इसमें सब पार्ट, कि जब जीरो यहां यूनिट प्लेस पे है, इस जगह को अरेंज करने के पांच तरीके हैं। ठीक है, अब आपके पास है छह डिजिट और रिपीटेशन अलाउड है, इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, छह, इस जगह को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, छह, और जीरो यहां फिक्स है, 6 × 6 × 5 कितना हो गया, 180। केस टू क्या हो सकता है, जब यहां पे इसी में उसी का भी पहले पार्ट का ही हम केस टू कर रहे हैं, अगर जीरो नहीं हो तो क्या होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या क्या हो सकता है, अगर यहां जीरो नहीं होगा तो यहां पर 2 और 4 हो सकता है, इस जगह को अरेंज करने के दो तरीके होंगे, लेकिन अभी भी आपके पास 6 डिजिट थे, 6 डिजिट में से यहां पे आप एक जीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, तो इस जगह को अरेंज करने के 5 तरीके होंगे, इस जगह को अरेंज करने के 6 तरीके होंगे, इस जगह को अरेंज करने के 6 तरीके होंगे। रिपीटेशन अलाउड है तब भी आप यहां पे कितना हो जाएगा, 360, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट केस और सेकंड केस टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, कितने हैं, टोटल अरेंजमेंट 540 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि इधर फर्स्ट केस इधर 0 रुपए दिया और 2 और 4 रुपए दिए, सो टोटल 540 अरेंजमेंट वुड बी देयर। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हम कर सकते हैं, और एक दूसरा पार्ट करने के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसको बात करते हैं, ब्रेक के बाद, कि रिपीटेशन जब अलाउड है नहीं है तब क्या कर सकते हैं। बस जल्दी से कहें तो बता दूं कि रिपीटेशन दूसरा पार्ट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ओके, सो चलिए अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अगली क्लास में इसको बात करते हैं, टाइम जो है नाउ, सो थैंक यू वेरी मच for watching this and watch this remaining portions in the next video. Thank you.